हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर 7th ऑफ स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी चैप्टर 2nd। इसके पहले हमने चैप्टर 2nd के अंदर प्रीवियस 5th और 6th लेक्चर्स में एग्जांपल्स स्टार्ट किए थे और हमने अब तक 15th एग्जांपल तक हमने इसे कर लिए हैं। आज हम 16th to 20th एग्जांपल्स पर बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए एग्जांपल नंबर 16 जो हमें आज करना है। इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल एबीसी, इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन गिवन। व्हाट इज गिवन? एंगल ए एंड एंगल बी आर इक्वल एंड दे आर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी। If this is the given condition, then I have to prove these two A and B. I have to prove these two results, which are you seeing on your monitor, on your screen, this number A and B. Okay. Remember, in the result A, we have everywhere sides, means in addition to trigonometric terms, what entity we have inside the trigonometric terms, these are small a, small c. Okay, so these are the sides. And in result B, there is a difference. We have here sine square capital C by 2. Dono tarah ke c, aapko yahan par do tarah ke c bahut carefully notice bhi karne hai aur aapko even likhne bhi hai. Ek to dekhiye small c और एक कैपिटल सी, क्योंकि दोनों का मीनिंग अलग है। स्मॉल सी इज साइड एंड कैपिटल सी इज द एंगल। ओके, हियर आल्सो कैपिटल सी, हियर स्मॉल सी एंड हियर कैपिटल ए। ठीक है, तो इन दोनों के अंदर जो हमको मेन ट्रिक या जो मेन कंसेप्ट, मेन जो हमारा आइडिया है इन दोनों क्वेश्चंस को प्रूव करने का, वो देखिए मैंने यहां लिखा है ट्रिक के अंदर। अगेन जस्ट लाइक प्रीवियस एग्जाम्पल, ये सिर्फ हमें अपने लिए ये बात याद करने के लिए लिखी हुई है, ये आपको एग्जाम में रीराइट नहीं करनी है। तो ट्रिक नंबर वन ये कहती है कि बोथ द एग्जाम्पल्स आर बेस्ड ऑन द की लाइन। विच इज द की लाइन? साइन कैपिटल ए बाई टू बराबर साइन कैपिटल सी। और ये लाइन कहां से आएगी? फ्रॉम स्टार। व्हाट इज स्टार? स्टार इज हेयर कैपिटल ए इक्वल्स टू कैपिटल बी इक्वल्स टू टू सी। ठीक है, तो अब अगर एक सेकंड इस स्टार लाइन से अगर हम बी को हाइड कर ले, ये लाइन दिखेगी कैपिटल ए इक्वल्स टू टू सी। और फिर इस कैपिटल ए इक्वल्स टू टू सी में टू को मैं लेफ्ट नीचे ले आऊं, लेफ्ट हैंड साइड के नीचे, तो ये बन जाएगी ए बाई टू इक्वल्स टू सी। और फिर ए बाई टू इक्वल्स टू सी में अगर मैं दोनों साइड साइन लगा दूं, तो ये बन जाएगी साइन ए बाई टू इक्वल्स टू साइन सी, जो कि ये है। तो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि ये दोनों पार्ट ए और बी हैं, इनकी स्टार्टिंग लाइन ये होगी प्रूव करने की। यानी ये लाइन हम इमीडिएटली इससे ऑब्टेन कर लेंगे एक बार, साइन ए बाई टू को साइन सी, और फिर ये दोनों ही पार्ट इससे प्रूव होंगे। अब इन दोनों पार्टों में फिर देखिए और करके मैंने यहाँ पर साइन सी को हाफ एंगल्स में चेंज कर लिया, यानी एवरीवेयर नाउ आई हैव हाफ एंगल्स। फिर मैं लिख रहा हूँ ट्रिक नंबर टू में, फॉर द पार्ट ए we put for all three sin a by 2, sin c by 2 and cos c by 2, है ना? यहाँ पर complete sentence में नहीं लिख पाया। Actually we put for का मतलब ये है कि हम इन तीनों के लिए formula use करेंगे। कौन से formula? जो कि under root वाले formula से याद है आपको, sin a by 2 equals to under root sin small c minus b sin small c minus c divided by sin b sin c, ऐसी sin c by 2 को ऐसी cos c by 2 का, यानी वो अंडर रूट वाले फॉर्मूले इन तीनों के लिए हम यूज करेंगे। ओके, फिर आगे हम लिख रहे हैं व्हाइल फॉर द पार्ट बी वी पुट फॉर साइन ए बाई टू एंड कॉस सी बाई टू ओनली। यानी जब हम पार्ट बी प्रूव कर रहे हैं वो भी इसी लाइन से स्टार्ट करके प्रूव होगा इससे, पर उसके लिए फिर हम साइन सी बाई टू के लिए पुट नहीं करेंगे, हम केवल साइन ए बाई टू और कॉस सी बाई टू के लिए हाफ वो वाला जो फॉर्मूले है अंडर रूट वाले वो लगाएंगे। ऐसा क्यों, मतलब डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि आप देखिए जब मैं पार्ट बी को देखता हूं
तो यहाँ पर मुझे पार्ट ए और पार्ट बी में एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको साइन सी बाई टू दिख रहा है, साइन सी बाई टू में सी इज द एंगल जो कि यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे साइन सी बाई टू को तो रिटेन करना है, यानी इस टर्म्स को तो मुझे रखना है, इसलिए जब मैं इस लाइन से स्टार्ट करूंगा तो मैं साइन सी बाई टू में कोई भी चेंज नहीं करूंगा, मतलब दूसरे शब्दों में मैं केवल साइन ए बाई टू और कॉस सी बाई टू के लिए फॉर्मूला यूज करूंगा वाइल प्रूविंग पार्ट बी, और पार्ट ए के लिए जैसे मैंने लिखा कि तीनों के लिए लिख करूंगा। और एक जो अनदर ट्रिक है, ट्रिक नंबर एक्चुअली थर्ड डालना चाहिए यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ सेकंड डाल रहा है, यहाँ थर्ड कर देना। एक बात हमको यहाँ और यूज करनी है, ये फॉर्मूला होता है हमारा पैरामीटर का 2s = a + b + c, इसके अंदर हम a = b पुट करेंगे, स्मॉल a = b। बताइए ऐसा क्यों? इसका रीजन आप यहां से देख सकते हैं, आप चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। देखिए आप ये हमको क्या गिवन है, कैपिटल a = B, तो अगर इस फैक्ट को मैं साइन फॉर्म में यूज करूं, साइन फॉर्मूला क्या होता है, साइन कैपिटल ए अपॉन साइन स्मॉल ए इज इक्वल टू साइन कैपिटल बी अपॉन साइन स्मॉल बी, और फिर थर्ड भी होता है रेशियो पर, वो हम यहाँ जरूरत नहीं है। तो इन दोनों रेशियो में अगर मैं ए और बी को इक्वल कर दूं एंगल्स को, तो साइन स्मॉल ए बराबर साइन स्मॉल बी हो जाएगा, और जिससे आई कैन राइट स्मॉल ए इक्वल टू स्मॉल बी, मतलब सीधे सीधे शब्दों में कि अगर कैपिटल ए और बी इक्वल है तो स्मॉल ए और बी भी इक्वल होंगे, और इस बात का यूज मैंने फिर यहाँ पे करना है, यहाँ पे कहाँ पे पैरामीटर के फॉर्मूले में मैं स्मॉल ए और स्मॉल बी को इक्वल कर दूंगा तो ये बन जाएगा a + a 2a + c, या मैं इसको लिख सकता हूँ 2b + c ऑल्सो, और फिर इससे अगर मैं ये s के लिए लिखूं तो ये आ जाएगा a + c/2 या b + c/2। तो ये बातें तो आपने पहले ही दिमाग में पहले भी रखनी है, और आफ्टर जब आप इसको याद करोगे तो ये बातें आपको वहां भी काम आएगी। अब देखिए वी आर स्टार्टिंग द मेन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन फॉर द पार्ट ए। देखिए आप वी आर गिवन एंगल a = 2c, इससे भी ये लिख दिया, फिर ये साइन लगा दी, ये सब बातें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर ही चुका हूं। फिर मैं यहां पर साइन ए बाई टू की जगह पुट कर रहा हूँ, साइन सी बाई टू की जगह पुट कर रहा हूँ, कॉस सी बाई टू की जगह पुट कर रहा हूँ। ये फॉर्मूले अब आपको एग्जाम में डायरेक्ट याद होने चाहिए, ठीक है? तो जब इन तीनों के लिए मैंने फॉर्मूले यूज किए, और फिर जो भी दोनों साइड से कैंसिलेशन हो रहा है वो कटने के बाद ये लाइन सिंप्लीफाई होकर ये बन जाती है, ठीक है? फिर इसको मैंने फर्दर स्क्वायर करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए दोनों साइड। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, देखिए बताइए, मैंने यहाँ पर, अब तो सारी बातें सेल्फ अंडरस्टूड है, मैंने यहाँ पर कंसेप्ट यूज किया a = b, तो स्मॉल a = b में यहाँ राइट हैंड साइड में यूज करूंगा तो ये साइन बी बन जाएगा साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए बिकम साइन क्यूब ए, और फिर लास्टली मैंने क्या किया, स्मॉल एस, ये नीड बेस्ड सारी एक्टिविटी कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन को देखते हुए क्या प्रूव करना है, s = a + c/2 है तो वो s की जगह पुट कर दिया, s मुझे नहीं रखना है तो मैंने s की जगह पुट कर दिया, फिर s - a की जगह मैंने c/2 पुट कर दिया, फिर साइन c को मैंने ब्रेक करके लिख दिया हाफ एंगल्स में, तो इस प्रकार जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो सिंप्लीफाई होकर अरेंज हो गया। तो आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखिए पार्ट बी, क्योंकि एग्जाम में कोई भी एक पार्ट भी आ सकता है और दोनों पार्ट भी आ सकते हैं, तो अगर केवल पार्ट बी आता है तो आपको देखिए क्या बातें दिमाग में रखनी है, इसको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूं आपको। ये लाइन तो देखिए वही है अगेन करके, यहां तो मैंने, अगर आपको केवल पार्ट बी, यू आर आस्क ओनली पार्ट बी, देन यू हैव टू ब्रिंग दिस लाइन ऑल्सो, ये लाइन ऊपर पार्ट ए में हमने रिड्यूस की है, वो लिखने के बाद फिर मैंने यहाँ पर इन दोनों साइड्स को इंटरचेंज कर दिया, RHS को मैंने LHS में और LHS को RHS में लिख लिया। फिर आप देखिए यहाँ पर बात दिमाग में रखने की है कि मैंने ये जो साइन c by 2 है ना भाई, ये फर्स्ट टर्म, इसको मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट में साइन c by 2 को रिटेन करना है, यानी कि इसको मुझे एज इट इज रखना है। केवल मैंने cos c by 2 और साइन a by 2 की जगह फॉर्मूले यूज किए, और फिर उसके बाद तो मैंने जो भी कैंसिलेशन और नीड बेस्ड एक्टिविटी जो भी करनी है वो करने के बाद फिर तो आपको रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें एक बात और है, यहां तक हम आ गए, इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया हमने इसको, अब यहां तक आने के बाद आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हैं तो एक बात यहाँ पर समझने की है कि यहाँ पर ये जो करली ब्रैकेट है, इस करली ब्रैकेट
में एक लिखा है cos small s plus sin c by 2, ये एक्सप्रेशन मुझे यहाँ इक्वेशन 1 में नहीं मिलता है। तो इसके लिए मैं ये जो करली ब्रैकेट की एक्सप्रेशन है इसको मैं लिखकर इसको मैं ऑब्टेन करने जा रहा हूं इन टर्म्स ऑफ साइड, यानी इसको मैं एक तरह से सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो देखिए क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने साइन सी बाई टू की जगह एक्सप्रेशन रख दिया, फिर मैंने क्या किया देखिए, इंपॉर्टेंट टास्क किया इसमें मैंने फैक्ट यूज किया यहां से लेकर यहां तक कि स्मॉल ए और स्मॉल बी इक्वल है। तो स्मॉल ए और स्मॉल बी अगर इक्वल है तो साइन एस माइनस ए और साइन एस माइनस ए दोनों सेम हो गए, और साइन ए और साइन ए सेम हो गए, तो ये दोनों स्क्वायर हो गए अंदर अंदर, तो अंडर रूट हट गया। फिर मैंने ऊपर मैंने साइन सी माइनस डी का फॉर्मूला अप्लाई करके फिर मैंने इसको अलग अलग सेपरेट करके फिर तो सब सिंप्लीफिकेशन है, तो कॉस एस से कॉस एस देखिए कैंसिल हो जाएगा और इन दिस वे आई ऑब्टेन कॉस एस, ये एक्सप्रेशन मैंने यहाँ बारा वापस लिख दिया, देखिए ध्यान से पॉइंटर पे, कॉस एस प्लस साइन सी बाई टू इज इक्वल टू ये मेरा आ गया साइन एस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब मैं कह रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ साइन एस फ्रॉम टू इन वन, मतलब यहां से साइन एस की वैल्यू अगर मैं ऑब्टेन करूं, मतलब साइन एस की वैल्यू टू से मैं निकालकर है ना वो अगर मैं वन में पुट कर दूं, वन में यानी यहां पर साइन एस की जगह, तो सिंप्लीफाई करने पर मुझे रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये दो लाइन आपको आपको योर सेल्फ लिख लेनी है, ठीक है ना। तो मेन बातें मैंने आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक्सप्लेन कर दी। देखिए आप इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसका मैंने खाली यहाँ पर सॉल्यूशन तो बुक में है ही, मैंने आपको इसकी मेन बात जो मैं आपको है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसके अंदर मुझे एक गिवन कंडीशन गिवन है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू पाई, और मुझे ये लाइन प्रूव करनी है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइन ऑफ a बाई टू बी बाई टू सी बाई टू इक्वल्स टू 1। तो देखिए इसकी मेन बात क्या है कि पहले तो वही फॉर्मूला साइन ए बाई टू का जो अंडर रूट वाला है वो हमने यूज किया, और चूंकि यह स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर साइड में क्या लिखा है कि 2s का फॉर्मूला क्या होता है, 2s होता है a प्लस बी प्लस सी, देखिए 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है, और a प्लस बी प्लस सी हमको पाई की मैंने, तो इसका मतलब 2s बराबर पाई, तो इससे s की वैल्यू आ गई पाई बाई टू, यानी सेमी पैरामीटर इज पाई बाई टू। तो ये स्मॉल s की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, देखिए पाई बाई टू दिख रहा है आपको यहाँ पर, जब मैंने यहाँ पाई बाई टू पुट करी रीजन दे दिया साइड में, तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा का फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा। तो ये दोनों साइन की एक्सप्रेशन ऊपर वाली कॉस बन गई, कॉस बी कॉस सी, और नीचे है साइन बी साइन सी, तो इन दिस वे ये पूरा बन गया कॉट बी कॉट सी, मतलब साइन स्क्वायर कैपिटल ए बाई टू इज माई कॉट बी कॉट सी, बी एंड सी स्मॉल। तो सिमिलरली आई कैन राइट साइन स्क्वायर बी बाई टू कॉट सी कॉट ए and sin square c by 2 equals to cot a cot b। तो ये expression मेरी मुझे अब मैंने यहाँ पर इसके बाद का solution आपके ऊपर छोड़ दिया है, आप book से देख के कर लीजिएगा। अब आपको वैसे करना क्या है, अब आपको लिखनी है LHS। And what is LHS? This sin square a by 2 plus sin square b by 2 plus sin square c by 2, और इनकी जगह आप put कर देंगे cot b cot c cot a cot b, और इन तीनों के sum की value आपको लानी है 1 के equal। तो ये रिजल्ट आपको आप प्रूव करोगे tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी फॉर्मूला, और इसके अंदर फिर a प्लस बी प्लस सी की जगह हम पुट कर देंगे पाई। तो ये रिमेनिंग वाला पार्ट आप अपने आप ट्राई करना, और नहीं तो आपको बुक में इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। देन आई एम गोइंग टू सॉल्व लास्ट एग्जाम्पल ऑफ टूडेज लेक्चर, दिस इज माई एग्जाम्पल नंबर 19। This is a very important example. Not because it is very hard to solve or prove it, but the result we are obtaining in this example is very important and it should be memorized. This result should be memorized. The result of example 19th. Okay. So look here. Here ABC is a spherical triangle and we are given D is the middle point of AB. मतलब ये जो मेरा आर्क ए बी है, इस आर्क ए बी पर डी पॉइंट इस प्रकार है कि लेंथ ऑफ ए डी एंड लेंथ ऑफ बी डी आर सेम, इन अदर वर्ड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस आर्क, देन आई हैव टू शो दैट कॉस ऑफ ए सी प्लस कॉस ऑफ बी सी,
cos of AC plus cos of BC is equals to 2 of cos AB by 2, AB by 2 into cos of CD. ठीक है, तो देखिए इसको हम बहुत ध्यान से समझिए, रिजल्ट प्रूव करना बहुत इजी है. सबसे पहले हमने क्या किया, चूंकि यहां पर बात हो रही है CD की, C is the vertex and D is the midpoint of the arc AB, इन दोनों को मैंने ग्रेट सर्किल आर्क से ज्वाइन कर दिया. एक लाइन आप यहां पर ऐड करके लिख देना सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में कि ज्वाइनिंग C एंड D, यहां पर जहां मेरा पॉइंटर चल रहा है इस जगह, कि ज्वाइनिंग C एंड D बाय द ग्रेट सर्किल आर्क. वैसे तो अंडरस्टूड है कि जब भी हम स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो कोई भी दो पॉइंट अगर आर्क से ज्वाइन है तो वो आर्क उन दोनों से पास होने वाला यूनिक ग्रेट सर्किल आर्क ही है. ठीक है, पर तो भी हम इसको लिखेंगे. और फिर हम यहां पर एक लेट कर रहे हैं कि लेट ADC इक्वल टू थीटा, वी आर अज्यूमिंग एंगल ADC इक्वल टू थीटा, सो दैट एंगल CDB इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा. अब इसको और डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने यहां पर क्या किया, देखिए ये जो D पॉइंट है ना सब, ये इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB आर्क एंड CD आर्क. तो मैंने इस पॉइंट पर, D पॉइंट पर इन दोनों आर्क्स की टेंजेंट ड्रॉ किए, देखिए आप ये ब्लैक कलर से. ओके, आई होप ये विजिबल हो रही है आपको, डॉट डॉट डॉट, ये टेंजेंट है, टेंजेंट टू द आर्क AB एट द पॉइंट D, और ये टेंजेंट है मेरी टेंजेंट टू द आर्क CD एट द पॉइंट D. तो ये टेंजेंट्स क्यों ड्रॉ की, ताकि थोड़ा आपको फील हो सके कि एंगल थीटा वास्तव में कौन है. तो जब हम कहते हैं एंगल ADC, इसका मतलब D पॉइंट पर इन दोनों आर्क की जो टेंजेंट है उनके बिटवीन का एंगल थीटा है. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा पाई माइनस थीटा, विच इज नथिंग बट एंगल BDC या CDB. इसके बाद मैंने यहां पर कहा है कि अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला फॉर AC इन ट्राइंगल ADC. देखिए अब ADC ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ADC ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में मैंने कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया फॉर द साइड AC. और कोसाइन फॉर्मूला क्या कहता है, कॉस ऑफ द साइड जो हम अप्लाई कर रहे हैं बराबर कॉस ऑफ द रिमेनिंग साइड्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कॉस ऑफ द रिमेनिंग साइड. तो देखिए आप, कॉस AC इक्वल्स टू कॉस AD इनटू कॉस CD. AD और CD जो है वो इस ट्राइंगल की रिमेनिंग साइड्स है ADC की. फिर यही साइड वापस साइन में आ जाएंगी, और फिर यहां पर कॉस ऑफ द एंगल अपोजिट टू द साइड प्रेजेंट इन LHS, यानी AC साइड जो LHS में प्रेजेंट है इसके अपोजिट वाला एंगल है थीटा. क्योंकि इसको मुझे यूज करना था इसलिए मैंने थीटा को यहां पर एज्यूम किया था और उसको मैं अब लिख रहा हूं. फिर अगेन अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला फॉर BC, अब जो काम मैंने ACD ट्रायंगल में किया वही काम मैं BCD ट्रायंगल में कर रहा हूं फॉर द साइड BC. तो cos BC बराबर सिमिलरली सेम, वापस आर्गुमेंट देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस क्या आएगा, अब की बार BC के सामने वाला एंगल पाई माइनस थीटा हो जाएगा. तो इसको मैंने नंबर 2 डाल दिया, ऊपर नंबर 1 डाल दिया था, अब मुझे मेरा रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा सिंपली बाय एडिंग 1 एंड 2. ठीक है, देखिए एडिंग करने से क्या हुआ, cos AC और cos BC तो ऐड हो गए. अब देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको cos CD तो सेम लग रहा होगा, यहां पर cos AD और cos BD है, लेकिन अगर आप यहां पर ये वाला लॉजिक देखें, ये वाला रीजन देखें कि AD is BD, AD is same as BD, why? क्योंकि D is the midpoint, so AD equals to BD. तो आप यहां BD की जगह AD पुट कर सकते हैं इन इक्वेशन 2. आप चाहे तो यहां पर एक लाइन पहले और लिख लेना सेकंड के नीचे, BD की जगह को AD कर देना, और यहां पर भी BD को AD कर देना, और cos pi minus theta की जगह पुट कर देना minus cos theta. ये मैंने यहाँ रीजन में दे दिया, थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन को. तो आप समझ रहे होंगे इससे होगा क्या, इससे ये दोनों टर्म्स जो है RHS की फर्स्ट टर्म ये तो सेम हो जाएंगी, तो ट्वाइस हो गई एड होकर, और ये जो सेकंड टर्म है RHS की ये कैंसिल हो जाएगी क्योंकि cos theta और cos pi minus theta में ये रिलेशन है. उसके बाद फाइनली मैंने AD की जगह पुट कर दिया AB by 2. I have put AB upon 2 for AD. क्योंकि D is the midpoint. Reason चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हैं. इसके बाद क्वेश्चन तो यहाँ प्रूव हो गया, hence proof. यह लिख देना आपको. बस इस क्वेश्चन के रिजल्ट को हमें मेमोराइज करना है एक इस तरीके से.
लिखा भी है देखिए, रिमेंबर द रिजल्ट एस, एस का मतलब इस तरह से याद करना है आपको, कैसे आपको किसी भी स्फेरिकल ट्रायंगल में अगर दो साइड्स हैं, कोई भी दो साइड, साइड वन साइड टू, कि कॉस का सम, सम ऑफ द कॉस ऑफ एनी टू साइड इज इक्वल्स टू टू इंटू कॉस ऑफ द थर्ड साइड, यानी जो दो साइड यहां आ गई तो जो तीसरी साइड बचेगी उसका बाई टू हो जाएगा, जैसे ऊपर यहां पर आई थी ए सी एंड बी सी, तो यहां पर आया था ए बी, इंटू कॉस ऑफ द मीडियन कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड वन एंड टू। क्या मतलब है इसका? इसका देखिए मतलब ये है कि मीडियन वर्ड तो आप समझते हैं, नॉर्मल जो हमारा वर्ड है माध्यिका, तो यहाँ पर किसी भी ट्रायंगल की, नॉर्मल प्लेन ट्रायंगल की तीन माध्यिकाएं होती हैं, तो यहाँ पर भी स्फेरिकल ट्रायंगल की तीन माध्यिकाएं या मीडियन होंगी। मीडियन हम किसको बोलते हैं? लाइन विच जॉइंस वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। लेकिन यहाँ पर मीडियन हम किसको कह रहे हैं? आर्क को, आर्क जॉइनिंग वर्टेक्स टू द मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट आर्क, क्योंकि ये ट्रायंगल आर्क से बना है और ये सब आर्क है, तो ये वाला आर्क भी एक तरह से मीडियन का ही काम कर रहा है, क्योंकि जो वर्टेक्स से मिडिल पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड तक जो भी लाइन या आर्क जा रहा है उसको मीडियन ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो मीडियन है, ये मीडियन एसी और बीसी के कॉरस्पॉन्डिंग है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब एसी और बीसी जहां इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो अगर हम ये रिजल्ट मान लीजिए, मैं आपको बोलूं यहां पर एसी और बीसी की जगह मैंने एबी और एसी लिखा, यानी In place of AC and BC, I have AB and AC here. तो यहाँ पर आ जाएगा third side BC, BC by two, और फिर यहाँ पर जो median आएगी वो होगी जो A से start हो रही है और BC के midpoint तक जा रही है। ठीक है ना, वो यहाँ लिखेंगे। तो in this way आपको इस result को बदल बदल कर, change कर करके भी लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो I hope ये आपको example समझ में आ रहे होंगे। तो अब आपको मेरी तरफ से फर्स्ट से लेकर 20 तक एग्जांपल कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम और आगे कुछ एग्जांपल करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।